आज बॉक्स ऑफिस पे पठान मूवी को 27 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 27वें दिन का बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन पठान मूवी का लिस्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको डे 1 से लेकर डे 27 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। पठान मूवी इंडिया की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉस मूवी बन चुकी है। पठान मूवी ने 515 करोड़ का हिंदी कलेक्शन करके बाहुबली 2 और KGF चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और पठान मूवी पूरे वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी है। जी हाँ गाइज, पहली हिंदी और पहली बॉलीवुड मूवी है जिसने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। आज तक हिस्ट्री में कोई भी मूवी इतना कमाई नहीं कर सकी जितना पठान ने कमाई कर दिया नॉन हॉलीडेज में। अगर मैं बात करें पठान मूवी का 26 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड में, पठान मूवी ने केवल 26 दिन के अंदर 996 करोड़ का कलेक्शन करके इतिहास की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। अगर मैं बात करें पठान मूवी ने हिंदी में 515 करोड़ का कलेक्शन कर लिया केवल 26 दिन के अंदर और साउथ इंडिया से पठान मूवी को 18 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। अभी 27वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐड करना बाकी है। कुल मिला के वीडियो बहुत ही ओपी होने वाली है। इस वीडियो को भी दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप शाहरुख खान से सच्चा पक्का प्यार करते हो। पठान मूवी इंडिया की हाईएस्ट नंबर ग्रॉस 1 मूवी, पहले ये रिकॉर्ड बाहुबली 2 के पास था। बाहुबली 2 का लाइफ टाइम इंडिया में कलेक्शन था 511 करोड़, जिसको पठान मूवी ने तोड़ के 515 करोड़ हासिल करके बाहुबली और KGF चैप्टर 2 RRR मूवी का लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर मैं बात करें पठान मूवी ने यहां पे 17, 18, 19 फरवरी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, पठान मूवी ने 17 फरवरी को 2 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था, 18 फरवरी को 3 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया था और 19 फरवरी को पठान मूवी ने संडे को 3 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन करके 3 दिन के अंदर 9 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन करके बहुत बड़ा जंप मारा था। कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी ने कहीं भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पठान के प्रोडक्शन पर काफी असर डाला है। शहजादा मूवी ने यहाँ पे 3 दिन के अंदर 20 करोड़ का कलेक्शन किया और यहाँ पे शहजादा मूवी ने 4 दिन के अंदर 25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। पठान मूवी इंडिया की नंबर 1 मूवी है जिसने केवल 4 दिन के अंदर 400 करोड़ का पूरे वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था। अगर मैं बात करें पठान मूवी ने 400 करोड़ हिंदी में केवल 12 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया था, जबकि जो ब्लॉकबस्टर मूवी से किसी ने 15 दिन के अंदर कंप्लीट किया था तो किसी ने 23 दिन के अंदर। पठान मूवी का बजट 250 करोड़ था जिसने पूरे लाइफ टाइम इंडिया से यहां पे 1000 करोड़ का क्लब एंट्री कर चुकी है। KGF चैप्टर 2 का केवल बजट 100 करोड़ था, इसने पूरे लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफ वर्ल्ड वाइड में 1200 का कलेक्शन किया था, जबकि बाहुबली का जो बजट 250 करोड़ था और बाहुबली ने भी लाइफ टाइम कलेक्शन में 1200 करोड़ का कलेक्शन किया था। क्या पठान मूवी 250 करोड़ लगाने के बाद 1200 करोड़ या 1500 करोड़ कमा पाएगी? लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पठान का कितना रहने वाला है कॉमेंट सेक्शन आप सब लोग बताना। अगर ये मैं बात करें पठान मूवी का ओवरसीज ग्रॉस मनी या बाहर की कंट्री से पठान को जो कमाई हुआ है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो पठान मूवी इंडिया की नंबर 1 मूवी है जिसने बाहर की कंट्री से बहुत ज़्यादा कमाई किया है। अगर मैं बात करें ग्लोबली यहाँ पे जो टॉप 10 मूवीज है पूरी दुनिया की, जो टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉस मूवी, उसमें पठान नंबर 6 पे आती है। पठान ने केवल 20 दिन के अंदर 112 मिलियन यूएस डॉलर कमा के इतिहास की हिस्ट्री में इंडिया के रिकॉर्ड को तोड़ा तो है, लेकिन पठान ने बाहर की कंट्री से ग्लोबल 1 नंबर लिस्ट में 6 नंबर पर आ चुकी है। तो इस वीडियो को भी दिल से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये मैं बात करें बॉक्स ऑफिस पर भी प्रोडक्शन पठान का काफ़ी अच्छा चल रहा है। पठान मूवी दंगल PK सारे मूवीज़ के रिकॉर्ड को काफ़ी बढ़िया करके तोड़ दिया है। अभी पठान को चाइना में रिलीज़ करना बाकी, फिर एक और बड़ा जंप देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।